शान डिसअपॉइंट होकर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ के चले गए थे यहाँ से। हाँ तो 2-3 साल रहे ना बाहर अमेरिका, ये नहीं कि वो चंद दिनों के लिए गए थे। अच्छा, और फिर आपकी आपकी फिल्म बनाने पर मेरे कहने पे आए वो और मेरी फिल्में करने आए, और मेरी फिल्में जो थी उसमें उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और ख़ुद भी इज्जतें कमाई और हमें भी दिलाई। शान जब इंट्रोड्यूस हुए बुलंदी में, मैं और जावेद फाजिल साहब हमारी टीम थी, तो उसमें बहुत कामयाब हुए। और उसके बाद जो हमारी इंडस्ट्री का है, बिला सोचे समझे उस बच्चे पे इन्होंने फिल्मों का बोझ लाद दिया और फिल्में चलने की बजाय नाकाम हो गई। जब नाकाम हुई तो फिर उसे मुंह मोड़ लिया, और जब मुंह मोड़ लिया तो वो पढ़ा लिखा बच्चा था, वो चला गया अमेरिका छोड़ छाड़ के सब। कई साल वो अमेरिका में रहे, लेकिन मुझे मेरे दिल को ये था कि ये एक अच्छा आर्टिस्ट है, इसको ज़ाया नहीं होना चाहिए। मेरा रब्ता मैडम नीलो से रहा, और जब मैंने एक फिल्म प्लान की तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं बुला दूंगी शान को। मैंने कहा मेरी बात कराएं, उन्होंने शान को फ़ोन किया और शान ने वहाँ एक बात की कि देखिए मैं आ जाता हूँ, लेकिन मुझे ये बताएं कि ये वाकई ये आप सीरियस हैं। मैंने कहा हाँ मैं सीरियस हूँ। तो जब वो आए यहाँ पे तो हमने फिल्म शुरू की, दो फिल्में घूंघट और संगम। जब मैं उनको लेके स्टूडियो में पहुँचा हूँ शान साहब को, तो वहाँ जो लोग थे पुराने डायरेक्टर्स मेरे कोलीग, उन्होंने कहा कि ये आप इस जोल सितारे को फिर ले आए हैं, ये तो मनहूस है, इसकी तो फिल्म ही नहीं चलती। अच्छा, ये बयान था आपका। हाँ, इसकी तो पोस्टर्स फाड़ दिए लोगों ने और ये की। तो मैंने कहा आर्टिस्ट कभी मनहूस नहीं होता, आप ये देखिएगा कि हम लोगों ने इस कमज़ोर पोर्ट्रे किया है, कमज़ोर इसकी परफॉर्मेंस ली है, तो इंशाल्लाह ये अभी फिर कम बैक करेगा। और वही हुआ, उन्होंने कम बैक किया घूंघट में, फिर संगम में, और वही डायरेक्टर जो उनको इस किस्म की बातें करते थे, मैंने ये कहा था जो बातें करते थे। अच्छा, यही बात है। उसके बगैर उन्होंने उसके बगैर शान के बगैर कभी फिल्म नहीं बनाई। फिर